सबसे पहले मैं बड़ा खुश हूँ कि यहाँ पे आने का मौका मिला, और मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए बस यही कहना चाहूँगा कि अभी जो हम लोग सो रहे हैं, दरअसल मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगा। एक थोड़ा सा हटके है, एक अपने गुजर कास्ट के बंदे थे जो ग्रेटर नोएडा में रहते थे, उससे जो कुछ लोग वहाँ सरदार लोग रहते थे, आपस में लड़ते रहते थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा भाई हमेशा लड़ते हैं और सरदार लोग का दो तीन घर थे गुजर सारे एरिया में बसे हुए, लेकिन वो हमेशा उन्होंने उनका जवाब दिया, जब भी वो लड़ते थे उनके पास बंदूक के वगैरह के जवाब देते थे। तो मेरा बाद में धीरे धीरे क्या हुआ कि उन्होंने लड़ना बंद कर दिया, क्यों यार मैं उसको पीटूंगा तो मेरे को पीटेगा, मेरे को वापस जवाब मिलेगा। तो इस चीज़ को हम अपने आप से लिंक करते हुए ये कह सकते हैं कि जब तक हम मतलब सहते रहेंगे, सहने का मतलब ये कि हम लोग अभी भी गुलामी करने को तैयार हैं, तो हमें सहने की चीज़ को छोड़ना होगा, हमें जागना होगा, ठीक है। और जैसे अभी ये पिटीशन आया है, यदि हम इग्नोर कर देंगे नहीं भाई ठीक है, तो ये तो शुरुआत है, यदि अभी हमने इस पर रिएक्शन नहीं किया तो आने वाले टाइम और बहुत बुरा आने वाला है। तो मैं तो अपनी तरफ से हर तरीके से तन से मन से धन से आपके साथ हूँ, जैसा कि सहयोग मेरा हुआ हमेशा अभी हो रहा। थैंक यू, धन्यवाद मुकेश जी।